शाम का समय था, पांडाल भक्तों की भारी भीड़ से भरा हुआ था और पुजारी समेत सभी श्रद्धालु हनुमान जी की आरती में लीन थे। मंदिर में सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी वहां एक ऐसी घटना घटी जिसे देख सभी भक्त सिहर उठे। वास्तव में उस शाम मंदिर प्रांगण में आगमन हुआ एक पुलिस की गाड़ी का, जिसे देख सारे हनुमान भक्त चौंक उठे। और तभी उस गाड़ी में से एक पुलिस वाला उतरा। वो पुलिस वाला आरती करते हुए पुजारी की ओर बढ़ने लगा, जिसे देख सब सोचने लगे कि शायद पुलिस वाला आरती में सम्मिलित होने जा रहा है। लेकिन असलियत में उस पुलिस वाले की मंशा कुछ और ही थी। उसने सरेआम हनुमान पंडाल में जो किया उसे जानकर आप स्वयं चौंक उठेंगे। दरअसल उस पुलिस वाले ने चलती आरती को रुकवा दिया, आरती में आए सभी भक्तों पर लाठी चार्ज कर दिया, और फिर वो हुआ जो किसी अनहोनी से कम नहीं था। तो आखिर क्यों किया उस पुलिस वाले ने ऐसा, और क्या है इस घटना की पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंग बली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हनुमान जी की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। काला जादू हो या शनि की साढ़े साती, होंगे हर कष्ट दूर, आएगी जीवन में तरक्की। अपने घर परिवार और संपत्ति को हर बुरी दृष्टि से बचाने के लिए आज ही मंगवाएं मंत्रों द्वारा सिद्ध नजर सुरक्षा कवच। दरअसल ये घटना बिहार के नालंदा जिले की है, और नालंदा के जिस हनुमान मंदिर में ये घटना घटित हुई है उसे हनुमान जी का बड़ा ही प्राचीन मंदिर माना जाता है। पारंपरिक रूप से यहाँ हर मंगलवार और शनिवार की शाम को आरती करने का रिवाज है। इसी मान्यता के तहत उस शाम भी हनुमान आरती की जा रही थी। मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था, और तभी पुलिस ने वहां वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पुलिस ने बेवजह लाठी चार्ज किया, जिससे मंदिर की शांति भंग हुई और चलती हुई आरती को रोकना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस की इस कार्यवाही में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। और कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन यहां जानने वाली बात यह है कि आखिर पुलिस ने लाठी चार्ज क्यों किया, आखिर पुलिस ने क्यों रुकवाई चलती हुई आरती। स्थानीय लोगों की माने तो उस शाम यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी, जिससे यहां की सड़क पूरी तरह जाम हो चुकी थी और लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच यहां एक पुलिस की गाड़ी जाम में फंस गई, और इसी बात से गुस्से में आकर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस बेवजह भड़क गई और उसने कई निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाया। हालांकि ये मामला पुलिस की इस कार्यवाही के बाद शांत नहीं हुआ। पुलिस की इस हरकत से गुस्साए लोगों ने बाजारें और सभी दुकानें बंद करवा दी। लोगों ने आसपास तोड़फोड़ की, पुलिस के खिलाफ नारे लगाए और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। जब मामला पूरी तरह हाथ से बाहर निकलने लगा तो पुलिस की एक टीम मौके पर जायजा लेने पहुंची और स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया। लेकिन बावजूद इसके लोग शांत नहीं हुए और वे लगातार पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते रहे। मामला इतना गंभीर हो गया कि वहां स्वयं एसडीओ और डीएसपी को आना पड़ा। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का आश्वासन दिया और सड़क पर लगा जाम खुलवाया गया। सदर एसडीओ
अभिषेक पलासिया ने जांच के बाद कड़ी कार्यवाही की बात की है। उम्मीद है आने वाले दिनों में दोषियों को सजा मिलेगी, पुलिस भक्तों को न्याय दिलवाने में सफल रहेगी और आने वाले दिनों में मंदिर में ऐसी अनहोनी घटना कभी नहीं घटेगी। हालांकि पुलिस द्वारा मंदिर में चल रही आरती को रुकवा देने की यह घटना कोई पहली बार घटित नहीं हुई है। इससे पहले भी ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में घटित हुई थी, जब पुलिस ने रामसनेही घाट के हनुमान मंदिर में हो रही आरती को बीच में ही रुकवा दिया था। यही नहीं, उप जिलाधिकारी द्वारा अनुमति दिए जाने के बावजूद भागवत कथा के आयोजन को भी पुलिस ने ऐसे ही रुकवा दिया था। इस घटना ने भी लोगों को आक्रोशित कर दिया था, क्योंकि इन्हीं आयोजनों के साथ यहां 39 कन्याओं का सामूहिक विवाह भी होना था। इस विषय पर आयोजन समिति ने भी अपना एतराज जताया। उनके अनुसार पिछले 12 वर्षों से सड़क के बगल स्थित मार्केट की खाली पड़ी जमीन पर ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगल से हर बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता चला आ रहा था। इस बार भी इसके आयोजन के लिए उप जिला अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अपनी मनमानी की और चलती हुई हनुमान आरती को बीच में ही रोक दिया। यही नहीं, पुलिस ने मंदिर में लगवाए गए स्पीकरों को भी उतरवा दिया और उन पर बजाए जाने वाले गानों पर भी एतराज जताया। उस दिन शुक्रवार की शाम 7 बजे जब हनुमान मंदिर में नियमित आरती हो रही थी, तब वहां कोतवाली रामसनेही घाट के कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरती को बीच में ही रुकवा दिया तथा ये भी बताया कि अब ना आरती होगी और ना ही श्रीमद् भागवत कथा। उनका कहना था कि राम मंदिर पर लगाए गए लाउड स्पीकरों में नियमों की अनदेखी की गई है। उन्होंने आयोजन स्थल पर बनाई गई व्यास गद्दी और पांडाल को भी हटवा दिया था। इस बात की जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोग मौके पर एकत्र हो गए। वहां उप जिलाधिकारी ने मौखिक रूप से बताया था कि अब श्री राम कथा नहीं हो सकेगी, जबकि उन्होंने खुद इसकी बकायदा लिखित अनुमति दी थी। पुजारी ने हनुमत पत्र भी उन्हें दिखाया, लेकिन वो नहीं माने। हनुमान जी की आरती के विरुद्ध पुलिस वालों की इन कार्यवाहियों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।